हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको ग्रो ऐप कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हम ग्रो ऐप अपना ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं ये मार्केट इंडाइसेस दिख रहे हैं, जो इंडेक्स निफ्टी 50 और सेंसेक्स, और यहाँ पे आज के टॉप गेनर दिखा रहा है। निफ्टी 100 के टॉप गेनर कौन कौन थे आज, जैसे हिंडाल को 5% ऊपर था, टोरेंट पावर, इंटर ग्लोब एविएशन, डीएलएफ, टाटा स्टील, ये आज के टॉप गेनर हैं। और अगर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे आप आईपीओ का जो सेक्शन दिख रहा है इसमें क्लिक करेंगे तो ये इसमें दिखा देगा अपकमिंग आईपीओ जो भी हैं, जो भी चल रहे हैं। तो ये जैसे ये रेड गेन ट्रैवल का आईपीओ आज स्टार्ट हुआ है 7 दिसंबर को, 9 दिसंबर को ये बंद होने वाला है। और जो क्लोज्ड आईपीओ हैं ये क्लोज, ये आईपीओ अभी बंद हो चुके हैं। और अपकमिंग आईपीओ दिख रहे हैं नीचे, एलआईसी, बजाज एनर्जी, गो, जो भी, इनकी अभी डेट नहीं आई है, ये अपकमिंग है। और जो रिसेंटली लिस्ट हुए हैं, गो कलर्स, टारसन्स प्रोडक्ट, लेटेंट व्यू, पेटीएम, देख सकते हैं आप ये जो जो अभी हाल ही में लिस्ट हुए हैं, और ये जो अपकमिंग है जिनके आईपीओज आने वाले हैं, और ये हैं रिसेंटली क्लोज्ड वाले, और ये ऑन गोइंग चल रहे हैं। जो मैप माई इंडिया, श्रीराम प्रॉपर्टीज और रेड गेन ट्रेवल्स अभी चल रहे हैं। तो और अगर आपको ये देखना है इसमें कौन कौन से स्टॉक्स पे न्यूज़ हैं, स्टॉक इन न्यूज़, जैसे हाईटेक कॉरपोरेशन, हिंडाल्को, टारसन प्रोडक्ट, इनमें न्यूज़ है। अगर मार्केट न्यूज़ में क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी न्यूज़ है इनके ऊपर सब चीज़। फिर यहाँ पर है निफ्टी 100 के टॉप लूज़र आज कौन कौन रहे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कैडिला हेल्थ केयर, सिप्ला, ब्रिटानिया, डिवीज लैब, IOCL, ये आज के टॉप लूज़र हैं। और अब यहाँ पे आप डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड में आपके दिखा देगा, आपकी होल्डिंग्स दिखा देगा, जो जो आपने होल्ड किया हुआ है, जो जो शेयर आपने, या ETFs या शेयर जो भी आपने ख़रीदे हैं, वो सब यहाँ पे दिखाएगा आपको। जैसे हमने इन्वेस्टेड वैल्यू इतनी है, करंट वैल्यू इतनी है, ये सब दिखा रहा है। अगर आप म्यूचुअल फ़ंड पे क्लिक कर देंगे तो वही चीज़ यहाँ पे म्यूचुअल फ़ंड में दिखाएगा, जो भी आपने म्यूचुअल फ़ंड में 12,000 इन्वेस्ट किए हैं, अभी करंट वैल्यू इतनी चल रही है, किस किस में कितना कितना अमाउंट। और यहाँ से आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, जैसे आपको रिटर्न के बेसिस पे चाहिए तो रिटर्न, तो जैसे अब ये दिख रहा होगा इसको, SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है हमको, 4.5%। फिर ये एक्सिस ब्लू चिप फंड ने 3.5 नेगेटिव में चल रहा है। वही वही चीज़ आप स्टॉक्स में भी देख सकते हैं। अभी इसमें कोई स्टॉक्स हमने लिए नहीं है, बस ETFs में इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे आप फिल्टर लगा के देख सकते हैं रिटर्न्स। तो निपॉन निफ्टी 20 ETF ने 19.55% का हमको रिटर्न दिया है। और यहीं आप गोल्ड में भी देख सकते हैं, अगर आपने गोल्ड लिया है तो हमने जैसे 777 रुपीज़ का गोल्ड लिया है। और अगर आपको कोई नया स्टॉक बाय करना है तो आपको स्टॉक्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा जो भी आपको चाहिए। जैसे आपको जोमेटो लेना है तो आप, नहीं जोमेटो नहीं, आपको कोई भी लेना है, जैसे आपको HDFC बैंक लेना है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, HDFC बैंक लिखेंगे तो HDFC बैंक आ गया। तो HDFC बैंक यहाँ पे बाय पे क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। बाय पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्वांटिटी डालनी होगी, यहाँ पे फिर बाय का ऑप्शन आएगा। अभी तो एड मनी लिखा रहा है, हमारे इसमें फंड इतना सफिशियंट नहीं है, तो बाय पे क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। और वही चीज़ आपको अगर म्यूचुअल फंड पे बाय करनी है तो म्यूचुअल फंड पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। म्यूचुअल फंड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च मारना है जो भी म्यूचुअल फंड आपको चाहिए, जैसे एक्स आपको कोटक ब्लू चिप फंड चाहिए, जैसे कोटक कोटक ब्लू चिप फंड आ गया है यहाँ पे। आप इस फंड की सारी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी होल्डिंग्स देख सकते हैं, पेयर कंपैरिजन कर सकते हैं, रिटर्न कैलकुलेटर, रैंकिंग जो भी है, फंड मैनेजमेंट देख सकते हैं आप।
तो अगर आपको वन टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप वन टाइम पे क्लिक करेंगे, अगर आपको मंथली SIP करनी है तो मंथली SIP पे क्लिक करेंगे, और वन टाइम के लिए वन टाइम पे क्लिक करके आप यहाँ पे अमाउंट जितना भी आपको इन्वेस्ट करना है, 5000 2000 जितना भी करना है आप कर सकते हैं। और वही मंथली SIP में आपके जितने भी मंथली SIP करनी है, 2000 की SIP करनी है तो आप 2000 की SIP करके इन्वेस्ट नाउ में क्लिक करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।